हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के वैल्यू चेन पे, राइट। तो ये वैल्यू चेन की जो हमारी पूरी सीरीज़ है, जिसमें हमने बहुत सारे वैल्यू चेन के वीडियोस बनाए हैं, सेमीकंडक्टर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, नेचुरल गैस पे, एलपीजी पे, राइट। तो वो पूरी सीरीज़ आप लिंक डाल देता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पूरा बिजनेस, मतलब ये पूरा जो एरिया है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कौन कौन प्लेयर किधर किधर हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द होल स्पेस, व्हाट आर द कंपनीज डूइंग इन इट, वेयर वेरियस कंपनीज आर। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रिलायंस क्या कर रहा है यार हाइड्रोजन स्पेस में, अदानी क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेस में। तो नो, पीपल डजंट हैव कि किस एरिया में है और उस एरिया में कितना इंटरेस्ट ओवरऑल रहेगा, वो कितना एरिया चलेगा, राइट। टाटा मोटर्स भी कुछ कर रहा है हाइड्रोजन में, ओलेक्ट्रा भी कुछ कर रहा है हाइड्रोजन में, इंडियन ऑयल भी कुछ कर रहा है हाइड्रोजन में, तो कौन किधर है एग्जैक्टली, राइट। तो सब कुछ सेम ही चीज़ कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो सब अलग अलग करते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये पूरा वीडियो रहेगा, जिसमें आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो स्पेस है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट, तो पूरी वो पॉलिसी लेके आई है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो वो भी कैसे काम कर रहे हैं और वेरियस कंपनीज कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये सारी चीज़ें समझ आएंगी हमें। तो सबसे पहले आपको पूरा वैल्यू चेन ही समझा देता हूँ, पूरा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है इसका, ठीक है। तो ये इसका वी विल सी फ्रॉम, आई थिंक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट से है, तो मैंने खुद का नहीं बनाया हुआ है, बट आपको यहाँ पर एग्जैक्टली समझ आएगा कि होता क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो देर आर डिफरेंट टाइप, हाइड्रोजन जो होती है उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अब इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी अगर एक ग्रीन एनर्जी सोर्स से आती है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। वो अगर कोल से आती है तो अलग अलग टाइप की, ब्राउन हाइड्रोजन और रेड हाइड्रोजन, ऐसे ब्लू हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप की ये हाइड्रोजन्स हैं, राइट। तो इस तरह से पूरा ये हाइड्रोजन स्पेस चलता है और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो स्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन जो जो फ्यूल है उसमें मतलब मेन चीज़ यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी वो प्योर ग्रीन एनर्जी से आएगी। अब ग्रीन एनर्जी क्या है? मेजरली सोलर और विंड इज ग्रीन एनर्जी। तो वैसे तो मतलब नेचुरल गैस को भी थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी में यूज़ हो जाता है, इवन न्यूक्लियर भी थोड़ा सा मतलब इस तरह से माना जाता है कि भाई ओवरऑल एटलीस्ट कोल से तो ग्रीन है, लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो वो प्योर प्ले विंड और सोलर एनर्जी के थ्रू ही बनती है। तो आप समझो, तो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोलाइजर करके एक मैकेनिज्म होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आई वुड से यार एक मशीन होती है, एक सिंपल भाषा में समझाया जाए तो, राइट, कि जो इस इसको बेसिकली उसमें डाल के वो कन्वर्ट करती है हाइड्रोजन, मतलब पानी को हाइड्रोजन में मेजरली, राइट। तो H2O जो है वो पानी है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, इलेक्ट्रिसिटी डाली, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन को यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, टिपिकली एक सिंपल तरह से समझा रहा हूँ मैं, राइट। तो फिर उसका वो मतलब ये इलेक्ट्रोलाइजर से उसका कन्वर्जन होता है, राइट, इन हाइड्रोजन फॉर्म, और फिर वो कंप्रेशन होता है कि लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन जानी है या किस फॉर्म में जानी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आप गैस फॉर्म में नहीं करते, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में, तो कंप्रेशन वगैरह करके उसको स्टोरेज होता है, टैंक्स वगैरह में स्टोरेज किया जाता है उसको, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो गैस पाइपलाइन से भी ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे नेचुरल गैस होती है, जैसे हमारी CNG वगैरह होती है, राइट। शिप से भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वो भी शिप से भी होती हैं, ट्रेन से भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ट्रक से भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, राइट। तो टिपिकल जैसे हमारी नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होती है, ये वो भी सारे इन्हीं मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये भी उसी तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ से है एप्लीकेशंस, राइट। तो ये तो हो गया, बनी कैसे? तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, राइट, कि सिंपल इलेक्ट्रिसिटी आई, हाइड्रोजन पानी में डाला और उसको अलग अलग किया, वो इलेक्ट्रोलाइजर से उसको कन्वर्ट, क्या कहते हैं, मतलब कंप्रेस किया, टैंक में स्टोर किया, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया। अब वो कहाँ यूज़ हो रही है वो बताना है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, राइट। तो एनर्जी जनरेशन, H2 प्रोडक्शन, H2 डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज, बट H2 एप्लीकेशन, अब ये यूज़ कहाँ होता है हाइड्रोजन? तो पहले तो हाइड्रोजन का जो चीज़ें यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट का फोकस ये है कि एक तो मतलब एज अ फ्यूल, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल की तरह ये यूज़ होने की एप्लीकेशन चल रही है। आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जी भी एक बार कार में आए थे जो हाइड्रोजन से चल रही थी, राइट, इन द पार्लियामेंट। तो बेसिकली एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट में ये हाइड्रोजन जो है वो यूज़ हो सकती है, और तो एज अ
अब इसमें दो तरह से यूज़ होती है हाइड्रोजन, ठीक है, एक तो फ्यूल सेल और एक डायरेक्ट कंबशन, इन दोनों में भी डिफरेंस है। तो आपको, आपने देखा होगा फ्यूल सेल में, मतलब बेसिकली एक ऐसा फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है एक तरह से, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कार्स के अंदर या ट्रक्स के अंदर, जो भी बेसिकली हाइड्रोजन ड्रिवन फ्यूल सेल वाली व्हीकल्स होती हैं, कि उसके अंदर हाइड्रोजन डालो और वो फ्यूल सेल उस हाइड्रोजन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से वो कार या ट्रक या जो भी चीज़ चलता है। तो इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है। और ये जो दूसरा है वो है नेचुरल गैस की तरह ICE इंजन, जैसे हमारा करंट इंजन है। अभी जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारी, मेरे पास खुद के पास एक गाड़ी है जो CNG से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है, क्योंकि वो इंजन जो है वो फ्यूल लेता है, पेट्रोल डाल दो तो वो पेट्रोल से भी चलता है, CNG डाल दो CNG से भी चलता है, सेम इंजन। इसी तरह से हाइड्रोजन भी डायरेक्टली अगर हम इंजन में ICE इंजन में डाल दें, मतलब उसमें कुछ ऑब्वियसली चेंजेस करके, तो वो भी डायरेक्ट कंबस्चन के थ्रू चलता है। बट फ्यूल सेल वाला जो मैकेनिज्म होता है, जिसमें सेल होता है एक और हाइड्रोजन जाता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, फिर इलेक्ट्रिक इंजन होता है, तो दैट इज़ मोर एफिशिएंट, मच मोर एफिशिएंट होता है ये जो मॉडल है। तो येलो जो मॉडल है ये मच मच मोर एफिशिएंट है, ये जो ऑरेंज है जो डायरेक्ट कंबस्चन है ये इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है हमें, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड ट्रांसपोर्ट में ये दो तरह से यूज़ हो सकता है, मतलब अभी ग्रीन है या नॉर्मल कोई भी हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ग्रीन इसलिए है क्योंकि वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से बन रहा है, बस सिंपल ग्रीन वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है। हाइड्रोजन तो आप कैसे भी बनाओ, चाहे कोल की एनर्जी से बनाओ तो भी उसकी एप्लीकेशन सब सेम रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी किससे हाइड्रोजन बन रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो कोई भी हो, अगेन ये डायरेक्ट कंबशन में भी यूज़ होता है, अगर हम अदर ट्रांसपोर्ट शिप्स वगैरह में एरोप्लेन लगाने, मतलब चलाने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों यूज़ हो सकते हैं वहाँ पर भी, कि आप फ्यूल सेल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कंबशन से भी कर सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ ऑलरेडी हो रहा है, तो काफ़ी जो इंडिया में हाइड्रोजन का काफ़ी यूज़ हो रहा है, बट इट इज़ नॉट मेजरली ग्रीन हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन, राइट। तो वो आयरन को बनाने में देर इज़ अ प्रोसेस कैटलिस्ट की तरह एक यूज़ होता है अमोनिया वगैरह, तो वहाँ पर अमोनिया जो बनता है वो मेजरली हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। और उसका जो एप्लीकेशन है अमोनिया का, वो काफ़ी ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री में या केमिकल या फीडस्टॉक प्रोडक्शन वगैरह में, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा अमोनिया का यूज़ होता है। और ग्रीन अमोनिया, अगर ग्रीन हाइड्रोजन है तो वो ग्रीन अमोनिया बोला जाता है उसको, जो ग्रीन हाइड्रोजन से अमोनिया बना है वो ग्रीन हाइड्रोजन। तो अमोनिया इज NH3, राइट, तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला के वैसा बनाया जाता है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन भी है हाइड्रोजन का, कि उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके और फिर वो यूज़ जो है उसका स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, पेट्रोकेमिकल केमिकल इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल भी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और कन्वर्टिंग इट टू अमोनिया, वो भी यूज़ हो सकता है, दोनों तरह से वो यूज़ होता है, ठीक है। फिर बाकी जनरल मैन्युफैक्चरिंग में फ्यूल फॉर प्रोसेस हीट जनरेशन, अब ये फ्यूल है उसको कहीं भी यूज़ कर लो आप बेसिकली एक तरह से, राइट, जैसे नेचुरल गैस के जो जो एप्लीकेशन उस तरह से हैं, पावर एंड हीट जनरेशन, बैकअप पावर, लॉन्ग। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग है, अगेन इसको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि इसको एज अ मिड टर्म स्टोरेज की तरह भी यूज़ होता है, कि जैसे सोलर एनर्जी है ये, राइट, सोलर एनर्जी जो होती है वो दिन में ही होती है, ऐसी दिन में प्रोड्यूस होती है, रात में तो होती नहीं है, तो लेकिन ग्रिड पे अगर आपको सोलर, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी देनी है, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई सोलर से, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा रहा है, मतलब आजकल एक ब्लेंडेड या फिर एक तरह से हाइब्रिड टाइप के पावर प्लांट्स बन रहे हैं, कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, पूरे साल पूरे 24 आवर्स देनी है ग्रिड पे, तो आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी देनी है, बट हुई प्रोड्यूस सिर्फ दिन में, क्योंकि भाई जब सन तो तभी था, रात में हुई नहीं, तो अब रात का क्या कर रहा है, तो बेसिकली क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत रख के उसको स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, तो कई जगह ऑप्शंस हैं, एक तो ये ऑप्शन है कि उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लिया, राइट, और फिर हाइड्रोजन की तरह उसको रखा, और फिर जब रात में उसकी ज़रूरत है तो फिर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया थ्रू द फ्यूल सेल, राइट। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइजर रखा कि भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, मान लो 10 MW का प्लांट है, ठीक है, 5 MW तो मेरे को दिन में जाने हैं, जब प्रोड्यूस हो रहे 5 के 5 चले गए, अब रात में 5 भेजने हैं, तो उसको क्या किया, वो 5 को दिन में आए तो 10 के 10 दिन में ही है, तो 5 को हमने हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, अब रात को जैसे रात हुई जब यूज़ हो रहा है तो वो कन्वर्ट होकर वापस फ्यूल सेल के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी रात में यूज़ होती है, तो एज ए स्टोरेज ऑप्शन भी ये मतलब यूज़ हो रहा है कुछ कुछ पावर प्लांट्स में, कई कई जगह पर ये यूज़ करने की कोशिश की जा रही है।
ठीक है। तो ये इस तरह से मिड टर्म स्टोरेज एंड ग्रिड ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है, राइट। तो ये यहाँ पर भी इसका यूज़ है एंड इट इज़ बोथ फ्यूल सेल एंड डायरेक्ट कंबस्शन की तरह बेसिकली ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हाइड्रोजन का इकोसिस्टम है या वैल्यू चेन। अब इसमें अलग अलग प्लेयर्स क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस ऑलरेडी है सोलर के ऊपर डिटेल में, राइट। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी प्लेयर्स पता है कि कौन क्या कर रहा है इन सब में, तो यहाँ पर नहीं जाएंगे। अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर से कि इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो कौन बना रहा है, फिर उसके बाद कन्वर्ट कौन कर रहा है, कंप्रेशन कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें कौन कौन कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस करेंगे। और एप्लीकेशन पर कौन कौन फोकस कर रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन अभी जो हो रहा है जैसे एज आई सेड कि अभी भी अच्छी खासी हाइड्रोजन इंडिया में प्रोड्यूस होती है और बनती है और यूज़ होती है, बट मेजरली वो फर्टिलाइजर अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन उसमें से बहुत कम है, ठीक है। तो अब वो क्या क्या हो रहा है उसमें आके अपन समझते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई हम 5 मेगा मेट्रिक टन्स, राइट, ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे 2030 तक। 100 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन करने हैं हमको, इलेक्ट्रोलाइजर कन्वर्ट करने के लिए 600,000 न्यू ग्रीन जॉब्स देने हैं, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूज़ होगी, राइट, 50 MMT फॉर कार्बन एबेटमेंट क्यूबिट, इतना हमारा कार्बन फुटप्रिंट बचेगा, 800,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 2030 तक के टारगेट टाइप लिए। व्हाई गवर्नमेंट इज सो फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन, राइट। तो बेसिकली इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, इट्स अ एनर्जी हंग्री कंट्री। तो बेसिकली अभी क्या चल रहा है ना कि भाई जो जो ऑप्शंस हैं सभी एक्सप्लोर करो, राइट। अभी अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें यूज़ हो सकती है, वो फ्यूल की तरह भी यूज़ हो सकता है, राइट। और हम जितना डिपेंडेंस अपना क्रूड ऑयल पे कम करें, ठीक है, तो उतना अच्छा है। तो मेजरली इंडिया का फोकस ये है कि क्रूड ऑयल पे हम जितना कर सकते हैं और उसकी जगह हम क्या क्या ऑप्शंस हैं, राइट, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोजन है, राइट, नेचुरल गैस है, तो सब पे वो एक तरह से वो फोकस, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो सब पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट का अलग अलग तरह से फोकस चल रहा है। तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वाई ग्रीन ओनली, बिकॉज अदरवाइज वो कोल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट बेसिकली लगता नहीं है कि भाई पहले ही इतने पोल्यूशन ड्रिवन से प्रोड्यूस हो रही है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर ग्रीन सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है तो उसका जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, और हम देखेंगे सारी चीज़ें आगे। तो इसके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए, राइट। तो सोलर मॉड्यूल्स है, विंड पावर इंफ्रा वगैरह के ऊपर तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, अगेन ये बहुत पूरी पीएम कुसुम स्कीम है इसके ऊपर, राइट, जिसमें रिन्यूएबल्स में यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। 18,500 करोड़ रुपीज़ की PLI स्कीम है इसमें, तो अगेन दिस इज़ अगेन नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ, बिकॉज वो सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। हाँ, बट जब हम बात करें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, राइट, मैंने जैसे बोला ना कि हाइड्रोजन जो है एज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरह यूज होता है, या इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलाइजर को बनाना कि वो मशीन बनाना जो इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनाती है, और फिर उसको प्रोड्यूस करना, भाई मेरे अच्छा इलेक्ट्रोलाइजर तुम मुझे दे दो, अब मैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता हूँ, भाई इलेक्ट्रो मशीन बनाना अलग है और उसको फिर यूज़ करना उस मशीन को, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 19,744 करोड़ रुपीज़ का एक मिशन, जो नेशनल इसमें मिशन है, उसमें यूज़ किया है कि भाई हम ये पैसा देंगे, राइट। और जिसमें से 1,749 करोड़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ GS2 आउट ऑफ, इसमें से 44 जो है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं और 13,000 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, और इतने पायलट प्रोजेक्ट्स हैं बाकी R&D के लिए, बाकी अदर मिशन कॉम्पोनेंट्स के लिए बेसिकली वो इन्होंने अभी इंसेंटिव अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने। अब किस किस को क्या क्या मिला है, कौन कौन सी कंपनीज, बेसिकली अलग चीज़ें। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइजर, इलेक्ट्रोलाइजर बना कौन रहा है, इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हो उसके बाद उसको यूज़ कर रहे हो, यूज़ अलग लोग कर रहे हैं, बना अलग लोग रहे हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बना कौन रहा है, किस किस को बिड में मिला, किसको एलोकेट हुआ अभी तक, तो रिलायंस बना रहा है इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, एक जो मतलब लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं, L&T बना रहा है, अदानी बना रहा है, जो बड़ी कंपनीज है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक, L&T में काफ़ी नाम सुना होगा आपने, अगर इसके ऊपर काफ़ी बात होती रहती है, तो उन्होंने 3 MW की बिड की, उनको मिला 300 MW का, और इंसेंटिव जो है 444 करोड़ का। सिमिलरली रिलायंस को, अदानी को 300 मिला, 199 ही मिला और 294 करोड़ का इंसेंटिव उनको दिया गया। बाकी और भी कंपनीज हैं, जॉन कॉकरेल ग्रीन को हाइड्रोजन कंपनी है, उनको भी मिला है। बाकी ओहमियम ऑपरेशंस है, होमी हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड है, अद्वैत
इंफ्राटेक है, मैट्रिक्स है, तो इन सबको मिला है। बाकी ये सारी कंपनीज ने भी अप्लाई किया था, राइट, जिंदल को, वारी को, इनको नहीं मिला, राइट। तो इनको इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ये इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी बिड आई थी 3.3 गीगावाट की, उसमें से 1.5 गीगावाट के करंटली एलोकेट हुए हैं, जिसमें इंसेंटिव 2,220 करोड़ रुपए का इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो ये करंट स्टेटस है। तो ये कंपनीज अभी काम कर रही होंगी। अब इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी की, कोई भी टेक्नोलॉजी से तुम ये इलेक्ट्रोलाइजर बनाओ, अदानी जो है वो कुछ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी भी बना रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजीज़ का भी अलग अलग डिफरेंस है बेचली, ठीक है। तो ये हो गया, बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोलाइजर की। तो सबसे पहले जो हमारा ये बात, हमारा जो चार्ट था, तो ये इलेक्ट्रोलाइजर कौन बना रहा है, ये मशीन बना कौन रहा है, तो ये लोग बनाएंगे अब बेसिकली, जिनको ये इंसेंटिव मिला है। बाकी भी बना सकते हैं विदाउट इंसेंटिव, बट इनको इंसेंटिव मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ठीक है, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम बनाओ, ठीक है। सेकेंड है अब कि ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर बन गया, अब उसको ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कौन करेगा। कि इलेक्ट्रोलाइजर मैंने ले लिया कहीं से, भाई मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी लूँगा और फिर हाइड्रोजन बनाऊँगा, ठीक है। और उसको ऑब्वियसली हाइड्रोजन बनाऊँगा बनाऊँगा नहीं, फिर सारी चीज़ें, हाइड्रोजन को कन्वर्जन भी करूँगा, कंप्रेस भी करूँगा, राइट। ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारा कन्वर्जन का, कंप्रेशन का, और फिर उसको स्टोर वगैरह करके मैं रखूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनीज बेसिकली करेंगी, ठीक है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में अभी ये सारी कंपनीज हैं जो ग्रीन कलर में हैं, जिन जिनको बेनिफिट्स गवर्नमेंट दिए हैं। अगेन रिलायंस इज देयर, टॉरेंट पावर लिस्टेड कंपनी है, JSW लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो इनको ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली मिले हैं, BPCL को भी थोड़ा सा एक मिला है। तो 90 क्या क्या बिड किए इन्होंने कि भाई हम इतना MTPA का प्लांट लगाएंगे, इनको 90 का 90 है, जैसे ASME क्लीन टेक, तो उसमें से फिर कितना इंसेंटिव इनको पर केजी मिलेगा, 50 रुपीज़ पर केजी का इंसेंटिव मिलेगा, 40 रुपीज़ और एवरेज 30, 810 करोड़ रुपए का इनको टोटल आउटले गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया, ठीक है। ग्रीन को, जीरोक को 810, ग्रीन रिलायंस को 510 करोड़ रुपए का, तो 28 रुपये पहले ईयर में कुछ भी नहीं इंसेंटिव है, सेकेंड ईयर में 28 रुपये का इंसेंटिव, उसके बाद फिर से 28 रुपये का, 90 का इनको भी मिला। टॉरेंट को 18 का इन्होंने कोट किया, 18 का मिला बिड, राइट। इस तरह से इनको इंसेंटिव इन्होंने डिमांड की, इस तरह से मिला 156 करोड़ रुपीज़ का आउटले। JSW को सिर्फ 10 ही था। तो इस तरह से ये कंपनीज जो हैं लिस्टेड हैं, जो ये सारी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, जिन जिनको अभी तक नहीं मिला है वो ये सारी कंपनीज हैं जिनको ट्राई कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट गॉट, मे बी इन द नेक्स्ट फेजेस दे विल गेट। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अगेन एज अ सेट, ये इलेक्ट्रोलाइजर लेती हैं, इसको प्रोड्यूस करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, कंप्रेस करती हैं और इसको स्टोर करके रखती हैं, और जो फिर लेके जाना है जिसको लेके जाओ, राइट। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, अब डिस्ट्रीब्यूट तो अलग अलग तरह से हो सकता है। भाई हाइड्रोजन मेरे पास है तो उसको ट्रक से भेज दो, शिप से भेज दो, अगर शिप से भेजा जा सकता है तो ट्रेन से भेज दो, बट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो ट्राइंग दिस, ठीक है। तो जैसे नेचुरल गैस, मतलब CNG है, नेचुरल गैस जो है उसका भी हमारा पूरा कंप्लीट वैल्यू चेन है, तो उसमें ही सारी कंपनीज का काफ़ी डिस्कशन है, बट उसके उनकी पाइपलाइंस के थ्रू भी हाइड्रोजन जा सकता है क्या। हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली नॉट दैट स्टेबल जैसे नेचुरल गैस है, ठीक है। तो वो ज़्यादा, मतलब आग जलने का उसका जो है वो ज़्यादा है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है इट विल नॉट बी आई थिंक थ्रू द सेम पाइपलाइंस, नहीं होगा। तो अभी ये क्या कर रहे हैं ट्राई, ये गेल वगैरह ये कह रहे हैं कि यार ब्लेंड कर देते हैं हम CNG और PNG नेटवर्क में, थोड़ा सा हाइड्रोजन को ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ब्लेंडिंग करके थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करें, राइट, तो एक तो क्योंकि वो इट इज़ मोर इन्फ्लेमेबल गैस, तो एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो हम CNG भेज रहे हैं, PNG भेज रहे हैं, राइट, तो दैट विल डू वेल, ठीक है। और धीरे धीरे क्या कहते हैं, मतलब दे आर जस्ट टेस्टिंग इट अगेन, ठीक है। तो अगर हम ये टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना ब्लेंडिंग में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, पाइप्स में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो इट लाइक अ टेस्ट ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो गेल कर रहा है ब्लेंडिंग ऑफ 2 and 5% ग्रीन हाइड्रोजन इन CNG PNG नेटवर्क एट सिटी गैस अवंतिका गैस। NTPC गुजरात गैस ब्लेंडिंग ऑफ 8% इन PNG नेटवर्क एट NTPC कवास टाउनशिप। अदानी टोटल गैस भी ब्लेंड कर रहा है 8%, ठीक है, PNG नेटवर्क के साथ इन अहमदाबाद की 4,000 रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल विद पायलट, ठीक है। एक्मे ग्रुप और इंद्रप्रस्थ भी इसको ब्लेंडिंग का प्लान कर रहे हैं। तो बेसिकली अगेन एज अ सेट कि इसको ब्लेंड करके भेजा जा रहा है कि इसका क्या इंपैक्ट होता है और कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, और ब्लेंडिंग अगर बढ़ाई जाएगी तो उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा ओवरऑल पाइपलाइन पे। तो वो सारी एक तरह से टेस्टिंग इस चीज़ पे चल रही है, एंड अकॉर्डिंगली फिर सेपरेट पाइपलाइंस वगैरह क्या क्या चीज़ें अपग्रेड वगैरह जो रहेगा वो चीज़ें हैं। तो ये कंपनीज भी ये ट्राई कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये कंपनीज किधर आई, ये कंपनीज आई इधर,
ठीक है, अपने वैल्यू चेन में, गैस पाइपलाइन में, ठीक है। बाकी शिप्स वगैरह में तो ठीक है, वो तो कोई भी भेज सकता है, तो मेरे को उसके ऊपर डिस्कस ज़्यादा नहीं करना। बट ऐसा कोई कंपनी है नहीं जो सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस कर रही है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस पे, ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन ठीक है पहुंच गया जहां पहुंचना था, अब यूज़ क्या हो रहा है उसका, और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो उसको यूज़ कर रही हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन मिल गई तो इसको यूज़ कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट फ्यूल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं हाइड्रोजन मतलब CNG की जगह हाइड्रोजन डाल दूँ और वो गाड़ी चलने लग जाएगी, राइट, ऐसा नहीं है। तो उसको उसके सिस्टम है, उसके चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें वो कौन कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, तो देर इज़ अ 500 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेशन है FY 2026 तक का, ठीक है, जिनमें उन्होंने बोला कि भाई हम फंड करेंगे इनिशियल केपेक्स, राइट, और एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स का, ठीक है, तो वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भाई करंट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कमर्शियल व्हीकल्स की, राइट, हाइड्रोजन की अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम डीजल से 40-75% मोर एक्सपेंसिव जो हाइड्रोजन व्हीकल्स हैं, मतलब करंट कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जो बन रही है और सारा ये ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह सबका जो कॉस्ट है, राइट, तो इस पर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो काफ़ी महंगा है अभी, 40-75%, मतलब 10 लाख रुपये का ट्रक है अगर एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब 50 लाख रुपये की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है सपोज़ एक नॉर्मल डीजल व्हीकल की, तो उसकी ऑलमोस्ट 50-75% ज़्यादा है, तो मतलब 80-90 लाख रुपीज़ का हो गया, तो कौन लेगा ऐसा ट्रक। तो ऑफकोर्स क्या करना है, उसके लिए सस्ता करना है, बट LNG बेस्ड व्हीकल, जो LNG बेस्ड व्हीकल्स हैं उसके 15% चीपर है, तो इसलिए काफ़ी सारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो CNG पे शिफ्ट हो रहे हैं या हो गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंपैरिजन बेसिकली दिया है, राइट, कि अगर 5 साल की ओनरशिप है, इतना डेली चलती है गाड़ी, तो कितने लाख किलोमीटर चल रही है साल में, राइट, तो परचेज प्राइस 48 लाख रुपीज़ का अगर है डीजल का, इसका 66 लाख है। हाइड्रोजन जो ICE है, राइट, जो मैंने कहा था डायरेक्टली हाइड्रोजन इंजन में घुसेगी, उसका 72 लाख रुपये का, बट अगर हम फ्यूल सेल वाला हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, राइट, तो वो और महंगा है, वो 144 का है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और भी ज़्यादा है, राइट, बट फ्यूल कॉस्ट जो है हाइड्रोजन, अगेन कॉस्ट भी ज़्यादा है, राइट, एक तो भाई महंगाई है, ट्रक ही महंगा है, जो हम हाइड्रोजन या बस जो हाइड्रोजन पर चलने वाली है वही महंगी है, राइट, उसमें जो चेंजेस हैं, तो ये 48 लाख रुपीज़ की डीजल का, अगर वही सेम ट्रक 72 लाख रुपीज़ का है और ये 144 का है, वो तो मतलब 3 टाइम्स हो गया, और फिर महंगा भी, फ्यूल भी महंगा है, 96 रुपीज़ पर लीटर है, राइट, या पर केजी है, ये 75 रुपीज़ है LNG, और ये 400 रुपये पर केजी है, तो वो भी महंगा है, लेकिन बेनिफिट जो है माइलेज का है, माइलेज जो है 3 किलोमीटर पर के लीटर देता है डीजल, ये 3.5 रुपये, और ये 9 किलोमीटर चलता है 1 KG में, तो एज आई सेड इसका जो इन्फ्लेमेशन जो होता है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए 3 टाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो हाइड्रोजन इज़ मच मोर एफिशिएंट, कि आप अगर ये इतनी सस्ती हो जाए, 400 रुपये से 100 रुपये पर आ जाए, तो आप सोचो कि आपकी व्हीकल, मतलब आपको 3 टाइम्स कम फ्यूल डालना पड़ेगा उतना सेम प्राइस पे, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है वो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो फ्यूल कॉस्ट जो है, अब ऑब्वियसली इसकी वजह से 46 रुपीज़ पड़ती है, इसकी 30 रुपीज़ पर किलोमीटर, एनुअल मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा है इसका, तो और भी ज़्यादा है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह बराबर बराबर है इनकी तो, लेकिन इसकी ज़्यादा है आइस जो फ्यूल सेल वाली कम वो है, तो परचेज कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के मतलब ये बेसिकली कह रहे हैं कि भाई 40-73% का कॉस्ट अभी ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या करना है। तो ऑब्वियसली भाई एक तो परचेज़ इसको ही, ये टेक्नोलॉजी ऐसी इंप्रूव हो कि यही कम हो जाए, एक तो बराबर हो जाए, और ऑफकोर्स ये इसको अगर हम 400 रुपीज़ से आधा कर लें, एटलीस्ट आधा कर लें, तो आई थिंक इट विल बी लॉट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस जगह पे। तो यही कोशिश ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रही है, और यही चीज़ गवर्नमेंट बेसिकली फोकस कर रही है, ठीक है। तो क्या क्या पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बहुत सारे, तो NTPC ने बेसिकली एक हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस चला रही है लेह और ग्रेटर नोएडा में। ऑयल इंडिया ने एक हाइब्रिड व्हीकल का स्टार्ट की है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब आप चार्ज भी कर दो उसको तो इलेक्ट्रिक भी है, और नहीं तो हाइड्रोजन डाल दो तो उसके अंदर वो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल है तो हाइड्रोजन से भी चलेगी। तो भाई हाइड्रोजन भरना है, हाइड्रोजन भरो तो लंबा चलो तो आपको चार्जिंग का चक्कर ख़त्म, तो उस तरह की ऑयल इंडिया एक डेवलप कर रहा है। IOCL जो है वो पायलट प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग सोलर पावर बायोमास, तो दे आर ऑल्सो डूइंग NCBG फॉर रीफ्यूलिंग 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेज। फिर RIL ने टाई अप किया हुआ है अशोक लेलैंड के साथ, कि रिलायंस ने कहा कि भाई हम ये भी कर रहे हैं,
इलेक्ट्रोलाइजर भी बना रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। चलो अशोक लैंड के साथ बात करते हैं कि भाई तुम हाइड्रोजन आईसी सॉल्यूशन हैवी ड्यूटी ट्रक्स बना सकते हो क्या? ठीक है, ओलेक्ट्रा के साथ की कमर्शियल बसेस बना सकते हो क्या जो हाइड्रोजन पे चलें? भारत बेंज के साथ इंटरसिटी लग्जरी कॉन्सेप्ट के हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलें, तो ये इनके साथ टाइप करके काम कर रहे हैं। फिर टाटा मोटर्स भी अपनी पुणे की R&D फैसिलिटी में हाइड्रोजन ICE और फ्यूल सेल व्हीकल्स पे काम कर रहा है। टाटा मोटर्स सबसे बड़ा इंडिया का कमर्शियल व्हीकल जायंट है, राइट, तो वो भी कर रहा है। BPCL इज ऑल्सो सेटिंग अप ए 1 MW ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनसाइड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जितनी भी एयरपोर्ट की व्हीकल्स हैं हम ये चाह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन पे ही चलें। ठीक है, तो ये सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो अगेन ये सारी लिस्टेड कंपनीज NHPC एंड मेट्रिक्स हैव वॉन बिड ऑफ EPC प्रोजेक्ट इन लद्दाख टू सेटअप NHPC's कारगिल ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। ठीक, हार्टेक सोलर है प्लान्स टू डेवलप हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन फॉर हैवी मोबिलिटी, तो वो रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो मतलब देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन। अब ये कितनी स्केल होगी, कैसे होगी ये चीज़ें, ऑफकोर्स गवर्नमेंट का फोकस कितना है और कॉस्ट, राइट, ये अब देखो बिल्कुल क्लियर हो गया ना अपने को। ये 72 पे रहे, अगर ये 415 से 100 रुपीज़ पे आ जाए सपोज पर KG, तो अब देखो एवरीथिंग इज चेंज्ड, राइट। तो मतलब ये इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो जो है इसके आसपास आ जाएगी या इससे भी कम हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि कोशिश यही है कि फ्यूल कॉस्ट जो है हाइड्रोजन की वो कम करनी है, तो अभी 400 रुपये पे है वो कम हो सकती है, तो वही चीज़ पे। स्टील सेक्टर में भी ग्रीन हाइड्रोजन के पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। टाटा स्टील जो है वो 40% हाइड्रोजन गैस अपने ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ कर रहा है, सो दैट स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। JSW स्टील इज ऑल्सो यूजिंग पावर जनरेटेड थ्रू 3800 KTPA हाइड्रोजन प्लांट इन विजयनगर टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील। तो ग्रीन स्टील, हाँ, तो ग्रीन स्टील की बात हो रही है कि ऐसा स्टील प्रोड्यूस हो रहा है जो पूरा मतलब जो एनर्जी उस प्रोड्यूस करने में, बिकॉज स्टील प्लांट में, स्टील में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह कोल बहुत यूज़ होता है, तो वो चीज़ें उसकी जगह हाइड्रोजन यूज़ हो जाए तो वो स्टील जो ये है वो भी ग्रीन स्टील माना जाता है कि भाई ये ऐसा स्टील है जो पूरी ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ है, इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो वो भी चीज़ें चल रही हैं। फिर अदानी पावर, ये पावर प्लांट कंपनी टोरेंट पावर, जैसे मैंने बताया उन्होंने प्रोजेक्ट भी मिला है उनको ब्लेंडिंग, ये अदानी पावर 20% ग्रीन एमोनिया विद कोल टू रन ए बॉयलर इन मुंद्रा इन पार्टनरशिप विद IHI। ट्रायल्स आर अंडरवे इन जापान विद सिमिलर इक्विपमेंट विद रेप्लिकेटेड मुंद्रा। ठीक है, तो 20% ग्रीन एमोनिया कोल के साथ जो है वो कर रहे हैं। फिर टोरेंट पावर जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर रही है। जिंदल स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो सेटिंग अप थिंग्स। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टील सेक्टर वगैरह में भी चीज़ें हो रही हैं। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 120 करोड़ रुपीज़ का एक गवर्नमेंट ने सेपरेटली वो बोला हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कांडला, पारादीप और टूटीकॉन, ये तीन को बोला है कि भाई तुम अपने डेवलप एक्सपोर्ट हब्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनियन ग्रीन मेथनॉल इन नेक्स्ट 7 ईयर्स, राइट, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सके। कोचिन शिपयार्ड जो है फुल्ली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड फेरी वेसल पे काम कर रहा है जो वाराणसी में चल सकता है। तो मतलब देयर इज लॉट ऑफ बज विच इज गोइंग ऑन, राइट, बिकॉज ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन जब से लॉन्च किया है तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लॉट ऑफ कंपनीज जो है इस पर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक समरी क्रिएट की है, राइट, कि कौन कौन सी कंपनीज मेजरली क्या क्या कर रही हैं, राइट। वैसे हमारा डिस्कशन हो गया, बट जस्ट क्विक समरी है। लार्सन एंड ट्यूब्रो लिस्टेड कंपनी है, इलेक्ट्रोलाइजर पे उनका मेजर फोकस है और ये सारी डिटेल्स आप जो है उसमें काफ़ी सारी हैं, राइट। बाकी जैक्सन ग्रीन है, GH4 इंडिया है, जॉन कॉकरेल है, तो ये सारे भी अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे जैक्सन ग्रीन जो है ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन एमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रोलाइजर सब पे काम कर रहा है, राइट। और जॉन कॉकर हिल जो है वो इलेक्ट्रोलाइजर पे काम कर रहा है। OMM जो है मेजरली इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन पे दोनों पे काम कर रहा है। होमी हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइजर पे मेजरली काम कर रहा है, दे हैव ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पुणे। अदानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइजर पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, एंड JV विद टोटल एनर्जी के साथ भी उनका JV है। इंडियन रेलवे ग्रीन हाइड्रोजन यूटिलाइजेशन फॉर ट्रेन्स दे आर सेटिंग अप, राइट, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव्स किया है उन्होंने, तो उन्होंने 80 करोड़ रुपीज़ पर ट्रेन एंड 70 करोड़ पर रूट फॉर ग्राउंड इंफ्रा। 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स की बात हो रही है कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स चलाएंगे, इंटरेस्टिंग। BPCL इलेक्ट्रोलाइजर पे काम कर रहा है। NTPC ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग पे मतलब प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, राइट, तो ग्रीन एमोनिया ग्रीन मेथनॉल फॉर एक्सपोर्ट्स पर्सपेक्टिव से। एक्मे ग्रुप है वो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया, रिन्यू ग्रुप है, नुमालीगढ़ है रिफाइनरी एंड सोलर एनर्जी, तो ये सारे कंपनीज अलग अलग चीज़ें जो बेसिकली इस ग्रीन हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। अब हम थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं कि ग्लोबली ये सारी चीज़ें क्या हो रही है और इंडिया पे तो कर लिया फोकस, राइट, तो कैसी है करंट, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप देखोगे
तो करंट ग्लोबल डिमांड जो है नाइट्री 90 मेट्रिक टन पर ईयर की है, ठीक है, करंटली। और ये हाइड्रोजन की है, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, इतनी ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनती वर्ल्ड में, राइट। तो ये हाइड्रोजन की 90 मेट्रिक टन है, ठीक है। और उसमें से जो है 78% हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम नेचुरल गैस और कोल, 80% तो वही मेजरली 20% ही है जो दूसरे से आता है, एंड 80% ऑफ हाइड्रोजन डिमांड कम फ्रॉम रिफाइनिंग एंड अमोनिया सेक्टर, राइट। तो फर्टिलाइजर और रिफाइनिंग सेक्टर से ही मेजरली हाइड्रोजन की डिमांड आती है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। इंडिया में 6.5 MMTPA की करंट कैपेसिटी है, डिमांड जो है, और उसमें से 3.1 जो है वो तो रिफाइनरीज उसमें से कंज्यूम करती हैं खुद ही, एंड फर्टिलाइज़र और अमोनिया बाकी यूज़ होता है, ठीक है। और मेजरली वेस्टर्न रीजन में ही सारा ये हाइड्रोजन का काम है, क्योंकि मेजरली रिफाइनरीज भी वहीं हैं। करंटली अगर 6 पे है तो इसकी फोकस है कि भैया ये 25 पे पहुँचे, ये तो है ओवरऑल हाइड्रोजन की डिमांड, अगेन ये ग्रीन की बात नहीं हो रही है सिर्फ, राइट। तो 4 times गवर्नमेंट का फोकस है कि 27 years में, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, बट 4 times दे वॉन्ट टू क्रिएट कि भाई हम 4 गुना बढ़ना चाहते हैं हाइड्रोजन में ओवरऑल, उस थॉट प्रोसेस से उन्होंने करना है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने एक फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बस भी जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल थॉट प्रोसेस है। अब अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा फोकस है हाइड्रोजन पे, बिकॉज नेचुरल गैस पे डिपेंडेंस दे वॉन्ट टू रिड्यूस, और हमने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन की हालत ख़राब हुई थी, बिकॉज दे यूज टू गेट सो मच नेचुरल गैस फ्रॉम देम, और नेचुरल गैस उनका सबसे बड़ा फ्यूल है, बिकॉज दैट कीप्स देम वार्म, बिकॉज सारे उनके जो हीटर्स हैं यूरोप में वो मेजरली नेचुरल गैस पे चलते हैं, और सबसे बड़ा वो फ्यूल जो उनका सबसे बड़ा वही है, और बहुत सस्ता था नेचुरल गैस, रशिया से आता था उनका चलता था। अब ये सब चीज़ों के बाद दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं भाई हमें एक अल्टरनेट फ्यूल पे जाना है, एंड हाइड्रोजन इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। तो उन्होंने एक $609 billion का कैपिटल एलोकेशन किया है अंडर द यूरोपियन हाइड्रोजन बैकबोन प्रोजेक्ट, एक लॉन्च किया है, राइट। हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्री एग्जिस्टिंग गैस नेटवर्क के साथ बनाने की बात हो रही है, राइट। इलेक्ट्रोलाइजर की उनकी बात है कि 6 GW कैपेसिटी बाय 2040 GW बाय 2000, तो ज़बरदस्त ग्रोथ वो सोच रहे हैं उसमें, ठीक है। और उनका फोकस लो कार्बन ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन पे है, राइट। करंट हाइड्रोजन डिमांड का नई डिटेल है हमारे पास। जर्मनी अगर स्पेसिफिकली तो 1.65 है, राइट, 15 to 25 billion dollars अकेले जर्मनी जो है उसके ऊपर बात कर रहा है, तो 2.7 to 3.3 MMTPA दे वॉन्ट टू यूज़। जापान 2 पे है, दे वॉन्ट टू गो टू 3 एंड देन 20 in 2050, ज़्यादा बड़ा उनका एलोकेशन नहीं है। साउथ कोरिया इज़ स्मॉल, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स करंटली 10 MMTPA का यूज़ है, और दे वॉन्ट टू रीच फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन परस्पेक्टिव उन्होंने विजन लिया है। तो ये तो टोटल है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन दे आर सेइंग कि 2030 तक हम 10 MMTPA सिर्फ ग्रीन हो जाएगा, फिर 20 by 2040 एंड 50 by 2050, $385 billion, अगेन वेरी सीरियस प्लेयर्स दे आर इन, राइट। तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अ लॉट ऑन दिस। ऑस्ट्रेलिया 0.65, दे हैव करंटली हैव 38 GW इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। इंडिया का 6.5 है, लो कार्बन ग्रीन पे फोकस है, 60 to 100 GW इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी की थॉट प्रोसेस 2030 तक, और 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन का फोकस है। अभी ये 6.5 मेजरली ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल हाइड्रोजन है। तो ये फोकस कर रहे हैं कि हम इसको 5 तक, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल से 5 तक लग जाएं, और $2.1 billion का करंटली कैपिटल एलोकेटेड है इंडिया का, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ नेशन वाइज ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्स आर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंसेंटिव्स, क्या थॉट प्रोसेस है कंट्रीज़ का कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम यूरोज पर केजी में देखें तो इंडिया 4.5 यूरो पर केजी के आसपास करंटली है। दे आर प्लानिंग कि भाई हम 2030 तक इसको 2.75 करते, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, राइट। तो मतलब हम ऑलमोस्ट हाफ तो नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट 30-35% कॉस्ट कम कर दें, तो ये चीज़ें इंडिया का फोकस है, राइट। चाइना इज़ सेइंग कि हम 4.25 से है करंटली 2022 में, और 2.25 कर देंगे इसको, तो दे आर ऑलमोस्ट गोइंग हाफ, राइट। तो ये चीज़ें आप समझो कि किस तरह से अगर ये इस तरह पे कुल रेट पहुंच गए, हाफ के आसपास हो गए, तो जैसे हमने जो अपना कैलकुलेशन देखा था, राइट, तो वो बहुत लुक्रेटिव हो जाएगा। ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव होगी, तो कॉस्ट जो बनाने की है वो भी कम होगी, और फ्यूल भी कम होगा। तो दोनों चीज़ें अगर कम होगी तो हाइड्रोजन व्हीकल्स जो है, मेरे को लगता है कि हो सकता है 2030-35 तक हमें काफ़ी ज़्यादा दिखें,
एंड वाई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू इट अगेन एज आई सेड कि बिकॉज दे वॉन्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बिकॉज दैट इज ऑल इम्पोर्टेड. इंडिया तो स्पेशली बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि भाई हमारे इतना ज़्यादा हमारा यूएस डॉलर उस पर खर्च होता है, और हम जब सुबह मॉर्निंग न्यूज़ बनाते हैं तो सबसे बड़ा फोकस यही रहता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हैं, उसके बेसिस पे हमारी इन्फ्लेशन डिपेंडेंट हो जाती है. तो वो सारा डिपेंडेंस जो है वो कम करने की कोशिश ये जो है ओवरऑल गवर्नमेंट का है. तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं राइट, इफ़ यू कैन गो टिल दिस 2.25 टाइप यूरोज पर केजी, तो आई थिंक देर विल बी गुड अडॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन इन इंडिया एंड काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे उसका यूज़ अक्रॉस. तो काफ़ी ज़्यादा एक बात होती है कि जापान जो क्यों फेल हो गया हाइड्रोजन में, दे बिकेम वेरी बिग ऑन हाइड्रोजन एंड देन दे फेल्ड. एंड मोस्टली पीपल से कि इट इज़ बिकॉज कि जापान ट्राइड टू डू इट इन द पैसेंजर व्हीकल. मतलब उन्होंने कहा कि भाई टोयोटा ने सबसे बड़ा चीज़ें फोकस की इसके ऊपर कि भाई हम ग्रीन हाइड्रोजन की कार बनाएंगे. तो इसके लिए इट वाज नॉट अ मतलब वो ये बात हुई कि वो चीज़ गलत प्रायोरिटी पे चले गए. अगर वो इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते या फिर इसको कमर्शियल में यूज़ करते तो शायद वो सक्सेसफुल होते. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, तो दैट्स व्हाई इट बिकेम अनइकोनॉमिकल फॉर देम. ठीक है, तो ये दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन. आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इट वॉज नॉलेजेबल फॉर यू कि पूरा ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे वर्क होता है, राइट, कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है. हमारा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन एनर्जी जो पोर्टफोलियो है उसमें हम ये स्पेस को बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं, राइट, और काफ़ी ज़्यादा हमारे डिस्कशंस होते हैं हाइड्रोजन थीम पे, राइट, ओवरऑल मतलब ग्रीन एनर्जी पे. उसमें हाइड्रोजन कम्स एज ए पार्ट कि गवर्नमेंट कैसे कैसे उस पर फोकस कर रही है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. ऑफकोर्स ऑल द मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्मॉल, मतलब स्पेशली अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखें L&T वगैरह, तो वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें बिजनेस हैं उनके लिए अभी. बट वी विल हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग कि कैसे कैसे ये बड़े हो रहे हैं, राइट, और हाउ वेरियस एप्लीकेशंस आर कमिंग एंड व्हाट आर द न्यू कंपनीज विच आर कमिंग. सो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी. दैट इज़ ऑल. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. दैट इज़ ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों. जय हिंद.